दोस्तों कुछ एक्सेल के नए यूजर होते हैं जो एक्सेल पर काम करते समय कुछ ऐसे फंक्शन एक्टिवेट कर देते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है, जैसा कि यहाँ पर मेन्यू बार शो नहीं हो रहे। तो इस तरह की प्रॉब्लम के नए यूजर के साथ होती है। अब इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है तो कैसे करें, कैसे हम अपने मेन्यू बार को एक्सेल शीट के अंदर लेके आ सकते हैं और हम इस एक्सेल की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो जानने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से क्लास तक जरूर देखें। दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो मेन्यू बार आएगा, बाहर क्लिक करेंगे तो मेन्यू बार हाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने ऑटो हाइड का फंक्शन एक्टिवेट कर दिया मेन्यू बार का। उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर एरो देखेगा, एरो पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको यहाँ पर शो टैब पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे ये ऑटो हाइड की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर मेन्यू बार आ गए लेकिन इनके फंक्शन और टूल नहीं आए, जो कमांड्स होती है वो चीज़ नहीं आई। तो उसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है, फिर से आपको एरो पर सिलेक्ट करना है और यहाँ पर शो टैब्स एंड कमांड्स पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तब जाकर आपके यहाँ पर फीचर फंक्शन टूल एक्टिवेट होंगे। अब यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों क्या होता है कि ये फंक्शन एक्टिवेट कर देते हैं जो नए एक्सेल यूज़र होते हैं, उनको पता नहीं होता है ना। तो यहाँ पर आपको ना तो इसको सिलेक्ट करना है और ना ही शो टैब को सिलेक्ट करना है। आपको सिलेक्ट करना है केवल एरो पर जाकर शो टैब्स एंड कमांड्स को। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके मेन्यू बार और टूल्स कमांड जो हाइड थे सब अनहाइड हो जाएंगे, दिखने लगेंगे। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा। दोस्तों इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।